हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल अर्न मिलियन टू बिलियन मनी। आज इस चैनल पे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की दूसरे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टमेंट सेटिंग में इन्वेस्टमेंट डिफाइंड केस स्टडी के साथ बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एन इन्वेस्टमेंट कैन बी फॉर्मली डिफाइंड एज द करेंट कमिटमेंट ऑफ फंड्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स दैट विल कंपनसेट द इन्वेस्टर फॉर थ्री की फैक्टर्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट औपचारिक रूप से डिफाइन किया जा सकता है करेंट कमिटमेंट ऑफ फंड्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक निवेश को औपचारिक रूप से भविष्य के भुगतान की उम्मीद के साथ समय की अवधि के लिए धन की वर्तमान प्रतिबद्धता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो निवेशक को तीन प्रमुख कारकों के लिए मुआवजा देगा। ये क्या क्या फैक्टर्स है? कोई भी इन्वेस्टमेंट डिफाइन किया जा सकता है, जो भी हमारा फंड का करेंट कमिटमेंट है एक खास समय के लिए, इस उम्मीद में कि फ्यूचर पेमेंट हमारा होगा, इन्वेस्टर्स के लिए कंपनसेट करेगा। तीन की फैक्टर्स है। पहला क्या है? द टाइम द फंड्स आर कमिटेड, वह समय जब धनराशि प्रतिबद्ध की जाएगी। द फंड्स आर कमिटेड, द टाइम जो होगा उस वक्त के लिए फंड्स कमिट किया जाएगा। दूसरा है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस समय के दौरान इन्फ्लेशन का रेट क्या हो सकता है, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर तीसरा है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स का अनिश्चितता अनिश्चित है, क्या होगा नहीं पता। तो इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, पेंशन फंड भी हो सकता है और कॉरपोरेशन भी हो सकता है। ये डिफिनीशन जो दिस डिफिनीशन इनकैम्पेसेस और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स बॉन्ड्स कमोडिटीज एंड रियल एस्टेट्स। ये डिफिनीशन सभी तरह के इन्वेस्टमेंट को शामिल करता है, जैसे कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट है प्लांट इक्विपमेंट में, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, कमोडिटीज में और रियल एस्टेट में। तो आप लोग समझ गए होंगे इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट को फॉर्मली डिफाइन किया जा सकता है कि भविष्य के भुगतान के लिए के उम्मीद के साथ एक खास समय के लिए वर्तमान में जो दो धन लगा रहे हैं, जो पेमेंट्स कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका फ्यूचर में पेमेंट क्या होगा, तो उसको किस तरह से इन्वेस्टर को मुआवजा मिल सकता है, लॉस हो सकता है, आग बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। मान लीजिए 10,000 इन्वेस्ट किया, एक साल के अंदर 20,000 भी हो सकता है, 25,000 भी, 50,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। तो उसका तीन कारण है, फंड टाइम जो दिया गया है, फंड्स कमिट किया गया है, और इन्फ्लेशन का रेट क्या होगा, तीसरा है फ्यूचर पेमेंट्स का अनिश्चितता। की कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कंपोनेंट क्या क्या इन्वेस्टमेंट के हैं, मुख्य मुख्य कंपोनेंट, टाइम कमिटमेंट है, ये टाइम क्या दिया जाता है, प्रतिबद्धता है, समय का प्रतिबद्धता है। इन्वेस्टर्स ट्रेड ए नॉन डॉलर अमाउंट टुडे फॉर एन एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स, द कमिटमेंट ऑफ फंड्स ओवर टाइम नेसेसिटेट्स कंपनसेशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर एक पहले से विदित उसको क्या कितना डॉलर अमाउंट इन्वेस्ट करना है,
ताकि उसका पेमेंट फ्यूचर में एक स्ट्रीम के रूप में मिल सके। वो एक्सपेक्ट कर सकता है कितना मिलेगा, वो पेमेंट के लिए आज एक इन्वेस्टमेंट करता है वो। तो फंड का जो कमिटमेंट है टाइम ओवर टाइम, वो उस दौरान इन्वेस्टमेंट का भविष्य में अपेक्षित भुगतान के लिए निवेशक आज एक ज्ञात डॉलर राशि का व्यापार करते हैं। समय के साथ धन की प्रतिबद्धता के लिए निवेश की अवधि के लिए मुआवजे की आवश्यकता होती है। एक मुआवजा मिलेगा उस दौरान कितना उसको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। पहले एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, बॉन्ड इन्वेस्टर हु परचेजेज ए 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड कमिट्स देयर मनी फॉर ए डिकेड एक्सपेक्टिंग प्रिडिक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी। एक बॉन्ड इन्वेस्टर जो है 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता है और एक डिकेड के लिए 10 साल के लिए, तो वो एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि उसका इंटरेस्ट पेमेंट जो होगा हर एक समय पे पीरियडिक होगा, ईयरली होगा, और जो प्रिंसिपल है वो मेच्योरिटी के समय में रिटर्न हो जाएगा। यही एक्सपेक्ट करके वो इन्वेस्ट करता है। एक बॉन्ड इन्वेस्टर जो है एक 10 ईयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, मुद्रास्फीति क्या होगी? तो मुद्रा स्फीति की उम्मीदें क्या है? द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट पीरियड इज क्रूशियल एज इट अफेक्ट्स द रियल परचेजिंग पावर ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। इन्वेस्टर डिमांड रिटर्न दैट कंपनसेट्स फॉर एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन। निवेश अवधि के दौरान मुद्रा स्फीति की अपेक्षित दर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भविष्य के भुगतान की वास्तविक क्रय शक्ति को प्रभावित करती है। निवेशक ऐसे रिटर्न की मांग करते हैं जो प्रत्याशित मुद्रास्फीति की भरपाई करता हो। इन्फ्लेशन होने से परचेजिंग पावर प्रेशर पड़ता है रियल परचेजिंग पावर पर, जिससे फ्यूचर पेमेंट जो मिला उसको उस प्रेशर डालेगा तो उसका क्रय शक्ति कम पड़ सकता है। तो इन्वेस्टर ऐसा डिमांड करता है रिटर्न का जो कि इन्फ्लेशन जो आने वाला है उसको कंपनसेट कर सके। केस स्टडी देखते हैं, ड्यूरिंग द 1980 इन्फ्लेशन वॉज हाई इन मेनी कंट्रीज। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स डिमांडेड हायर यील्ड्स टू कंपनसेट फॉर द इरोडिंग परचेजिंग पावर ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट। 1980 के दशक में कई देशों में मुद्रास्फीति बहुत अधिक थी। लंबी अवधि के बॉन्ड में निवेशकों ने भविष्य में ब्याज और मूल भुगतान की घटती परचेजिंग पावर की भरपाई के लिए उच्च पैदावार की मांग की। उच्च पैदावार का मतलब हुआ हायर यील्ड्स, ज्यादा ज्यादा रिटर्न हो सके उसको, ताकि उसका परचेजिंग पावर जो इरोड हो रहा है घट रहा है उसको वो कंपनसेट कर सके फ्यूचर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट्स को के मिलने में। फिर अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, भविष्य के भुगतान की अनिश्चितता। इन्वेस्टमेंट्स कैरी वेरिंग डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ रिगार्डिंग फ्यूचर पेमेंट्स। दिस अनसर्टेनिटी और इन्वेस्टमेंट रिस्क रिक्वायर्स कंपनसेशन थ्रू ए रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम इज द इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड एसेट इज एक्सपेक्टेशन टू यील्ड इन एक्सेस ऑफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज द थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विद जीरो रिस्क। द रिस्क फ्री रेट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट इन्वेस्टर वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एब्सोल्युटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेजरी बिल्स आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट एंड मेच्योर विद इन 1 ईयर। इन्वेस्टमेंट निवेश में भविष्य के भुगतान के संबंध में अलग अलग स्तर का जोखिम होता है। इस अनिश्चितता या निवेश जोखिम के लिए रिस्क प्रीमियम के माध्यम से मुआवजे की आवश्यकता होती है। रिस्क प्रीमियम वो निवेश रिटर्न है जो किसी परिसंपत्ति से रिटर्न को रिस्क फ्री रेट से अधिक मिलने की उम्मीद की जाती है। रिस्क फ्री रिटर्न रेट शून्य जीरो रिस्क वाले निवेश पर रिटर्न की सैद्धांतिक दर है। रिस्क फ्री रेट
उस इंटरेस्ट का प्रतिनिधित्व करती है जो एक निवेशक, एक इन्वेस्टर एक निर्दिष्ट अवधि में बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्ट से उम्मीद करेगा। इसमें ट्रेजरी बिल्स जो कि है रिस्क फ्री रेट है, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है जो 1 साल के अंदर मेच्योर हो जाते हैं और ये बिल्कुल सेफ है। ये इससे ज़्यादा रिटर्न अगर मिलता है तो ये रिस्क प्रीमियम कहलाता है। रिस्क प्रीमियम इज द इन्वेस्टमेंट रिटर्न एन एसेट इज एक्सपेक्टेड यील्ड इन एक्सेस ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। कोई भी हम किसी में शेयर में म्यूचुअल फंड में किसी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ट्रेजरी बिल से उसको ज़्यादा रिटर्न आना चाहिए, तो रिस्क प्रीमियम यही है। और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें ऑफ इन्वेस्टमेंट जीरो रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है। ट्रेजरी बिल्स जो है वो भुगतान करते ही करती है गवर्नमेंट। रिस्क फ्री रेट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट इन्वेस्टर वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एब्सोल्युटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे। एक एग्जाम्पल समझते हैं। इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप कैरीज सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फ्यूचर रिटर्न। एन इन्वेस्टर माइट डिमांड ए हाई रिटर्न कंपेयर टू ए स्टेबल एस्टेब्लिश कंपनी टू अकाउंट फॉर दिस रिस्क। उदाहरण के लिए किसी स्टार्टअप में निवेश करना भविष्य के रिटर्न के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण अनिश्चितता रखता है। एक निवेशक इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए एक स्थिर स्थापित कंपनी की तुलना में अधिक रिटर्न की मांग कर सकता है। कोई भी स्टार्टअप कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है फ्यूचर रिटर्न्स के रिगार्डिंग, तो इन्वेस्टर उसमें एक हाई रिटर्न का डिमांड कर सकता है। उस कंपेयर में जिस कोई कंपनी अगर बहुत स्टेबल है एस्टेब्लिश है इस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए। इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर्स का क्या उम्मीद है। इन्वेस्टर्स सीक ए रेट ऑफ रिटर्न दैट कंपनसेट देम फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। दिस डिजायर्ड रिटर्न इज नोन एज द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। निवेशक रिटर्न की ऐसी दर चाहते हैं जो उन्हें निवेश की समय अवधि, अपेक्षित मुद्रास्फीति और भविष्य के नकदी प्रवाह की अनिश्चितता के लिए मुआवजा दे। इस वांछित रिटर्न को निवेशक की अपेक्षित रिटर्न दर के रूप से जाना जाता है। इन्वेस्टर तो एक्सपेक्ट करता है कि ज़्यादा रिटर्न मिले जितना समय के लिए वो इन्वेस्ट किया गया किया है, और वो इस उसको इस उसको भी ये इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करता है। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भविष्य में इन्फ्लेशन क्या रहेगा उसको भी वो कंसिडर करता है और फ्यूचर कैश फ्लो का अनिश्चितता को भी कंसिडर करता है। तो जो रिटर्न डिजायर कर रहा है इन्वेस्टर उसको हम लोग इन्वेस्टर से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग इन ए डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो माइट रिक्वायर ए 7% एनुअल रिटर्न। दिस रेट कंपनसेट फॉर द टाइम कमिटमेंट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से 2% द रिस्क एसोसिएटेड विद द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। विविध स्टॉक पोर्टफोलियो में निवेश करने वाले व्यक्ति को 7% वार्षिक रिटर्न की आवश्यकता हो सकती है। यह दर समय की प्रतिबद्धता, अपेक्षित मुद्रास्फीति मान लीजिए 2% और इक्विटी निवेश से जुड़े रिस्क की भरपाई करती है। कोई भी इंडिविजुअल है, एक पोर्टफोलियो है, उसे काफ़ी स्टॉक सब है डाइवर्सिफाइड किया हुआ है, वो 7% एनुअल रिटर्न चाहता है, तो ये रेट टाइम कमिटमेंट कम को कंपनसेट करते हुए और इन्फ्लेशन मान लीजिए 2% है उसको कंसिडर करते हुए और इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो रिस्क है उसको भी कंसिडर करते हुए ही वो इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स इवेल्युएट पोटेंशियल रिटर्न्स अगेंस्ट देयर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। निवेश अवधारणाओं का प्रयोग, व्यक्तिगत निवेश स्टॉक और बॉन्ड जैसे व्यक्तिगत निवेश में निवेशक रिटर्न की आवश्यक दर के मुकाबले
संभावित रिटर्न का मूल्यांकन करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो स्टॉक के इन्वेस्ट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टर जो है पहले ही उसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उसका पोटेंशियल रिटर्न क्या है को इवेल्युएट करते हैं। वो क्या रिक्वायर्ड रेट रिटर्न हो सकता है के अगेंस्ट में क्या पोटेंशियल रिटर्न है उसको इवेल्युएट करते हैं। कैसे रेडी समझते हैं, ड्यूरिंग द डॉट कॉम बबल ऑफ द लेट 1990s मेन इन्वेस्टर्स वेयर ड्रॉन टू टेक्नोलॉजी स्टॉक्स एक्सपेक्टिंग हाई रिटर्न्स। हाउएवर द सब्सिक्वेंट क्रैश हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेटली असेसिंग रिस्क एंड रिक्वायर्ड रिटर्न्स। 1990 के दशक के अंत में डॉट कॉम बुलबुले के दौरान कई निवेशक उच्च रिटर्न की उम्मीद में प्रौद्योगिकी शेयरों की ओर आकर्षित हुए थे। हालांकि बाद की दुर्घटना ने रिस्क और आवश्यक रिटर्न का सटीक आकलन करने के महत्व पर प्रकाश डाला। 1990 में डॉट कॉम बबल हुआ था, बहुत से इन्वेस्टर्स सब उसमें टेक्नोलॉजी स्टॉक से पैसे को डाउन कर लिया था, ले लिया था इस उम्मीद से कि हाई रिटर्न्स होगा। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाई रिटर्न्स होगा, तो उस वक्त टेक्नोलॉजी शेयर में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन बाद में वो क्रैश कर गया, तो फिर उन्होंने ज़रूरत समझी कि हम लोग रिस्क और रिक्वायर्ड रिटर्न्स को फिर से असेस किया जाए, इवेल्युएट किया जाए। कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स, कॉरपोरेट निवेश फॉर कॉरपोरेशन, इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड इक्विपमेंट आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कॉरपोरेट निवेश के लिए क्या है, निगमों के लिए संयंत्र और उपकरणों में निवेश का मूल्यांकन अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह और रिटर्न की आवश्यकता आवश्यक दर के आधार पर किया जाता है। कोई भी कॉरपोरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट जो प्लांट इक्विपमेंट का इवेल्युएशन किया जाता है कि फ्यूचर में क्या कैश फ्लो होगा और उसका रेट और रिटर्न का रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायर्ड रेट और रिटर्न होगा, क्या आवश्यकता है रेट ऑफ रिटर्न की और क्या उम्मीद किया जा सकता है फ्यूचर कैश फ्लो का, उसके आधार पर प्लांट इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट का एवेल्युएशन किया जाता है। कॉर्पोरेट लोग वाले लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। प्रोजेक्ट में नया प्रोजेक्ट आता है तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट हुए, इक्विपमेंट हुए, बिल्डिंग हुए सब और मशीनरी हुए, तो वो सब दो चीज़ें पर बेस होती है। पहला एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोस क्या होगा, दूसरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। एक एग्जांपल समझते हैं, ए कंपनी कंसीडरिंग बिल्डिंग ए न्यू फैक्ट्री विल एनालाइज द प्रोजेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंसिंग फैक्टरिंग इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रिस्क। एक नई फैक्ट्री बनाने पर विचार कर रही कोई कंपनी अपेक्षित मुद्रा स्फीति और रिस्क को ध्यान में रखते हुए निर्माण और वित्त पोषण की लागत के मुकाबले बढ़े हुए उत्पादन से अनुमानित राजस्व का विश्लेषण करेगी। कोई भी कंपनी बिल्डिंग बनाने जा कोई नई फैक्ट्री बनाने जा रही है, वो क्या प्रोजेक्टेड रेवेन्यू होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और उसके अगेंस्ट में क्या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा और फिनांसिंग क्या होगा, तरीका क्या होगा, फिनांस कहाँ से सोर्सेस फिनांस क्या होंगे, और सोर्सेस फिनांसिंग हो गए तो फिर उसको इन्वेस्ट करने के लिए वो देखना पड़ेगा प्रोडक्शन किस तरह का होगा और उसका रेवेन्यू क्या, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू क्या होगा और फैक्ट उसमें इन्फ्लेशन और रिस्क को भी एनालिसिस करना पड़ेगा। निष्कर्ष यही है, कंक्लूजन, इन्वेस्टर्स ट्रेड करेंट डॉलर्स फॉर एक्सपेक्टेड फ्यूचर पेमेंट्स एमिंग फॉर रिटर्न्स दैट मीट और एक्सीड देयर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंपनसेटिंग फॉर टाइम कमिटमेंट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्क। दिस फाउंडेशनल कंसेप्ट गाइड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस एंड इन्वेस्टर टाइप्स। Understanding these principles helps investors select investments that align with their financial goals and risk tolerance. By considering time, inflation and risk, investors can strategically manage their portfolios to achieve desired returns. निवेशक अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के लिए
वर्तमान डॉलर का व्यवहार करते हैं, वर्तमान डॉलर का व्यापार करते हैं, ऐसे रिटर्न का लक्ष्य रखते हैं जो रिटर्न की उनकी आवश्यक दर को पूरा करता है या उससे अधिक है। समय की प्रतिबद्धता मुद्रा स्फीति की अपेक्षाओं और जोखिम रिस्क की भरपाई करता है। यह मूलभूत अवधारणा विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों और निवेशकों प्रकारों व निवेश निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। इन सिद्धांतों को समझने से निवेशकों को ऐसे निवेश चुनने में मदद मिलती है जो उनके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप हो। समय, मुद्रास्फीति और जोखिम रिस्क पर विचार करके निवेशक वांछित रिटर्न प्राप्त करने के लिए रणनीतिक रूप से अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर रुपी या डॉलर या किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर पेमेंट्स के लिए उसे रिटर्न हो, तो वो यही उम्मीद करते हैं कि जो भी रेट रिक्वायर्ड है उसे बढ़ जाए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसे बढ़ जाए या वो मिल जाए। उसमें टाइम कमिटमेंट, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और इस सभी को अंडर कंसिडरेशन किया जाता है। ये फाउंडेशनल कंसेप्ट जो है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, किसी भी भरिए से बहुत तरह का सेट क्लासेस है इन्वेस्टमेंट टाइप्स के लिए, ये फाउंडेशनल कंसेप्ट है। तो ये प्रिंसिपल जो है इन्वेस्टमेंट का जो इस वीडियो में बताया गया है, ये इन्वेस्टर्स को मदद करते हैं उस तरह का इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करने में जो कि उसके फिनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेंस को ऐलान कर सके। इसमें टाइम, इन्फ्लेशन और रिस्क ये मेन फैक्टर्स है। इसको कंसिडर करते हुए इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को तैयार कर सकते हैं ताकि वो अपने रिटर्न, डिजायर रिटर्न जो सोच रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि रिटर्न आ जाए, तो ये तीन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, टाइम, इन्फ्लेशन एंड रिस्क। तो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद आपको पसंद आया हो, हमें कमेंट्स करें ताकि और वीडियो को अच्छा बनाया जा सके। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।